तेरी रिक्शा है? फरसान का धंधा का दिवाला बच गया क्या? रिक्शा खरीद लिया? फरसान बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, उसका बिजनेस बहुत तरक्की हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तेरे को धंधे में क्या पता चलेगा? बराबर। देख मैं उतरूंगी नहीं इसमें से जब तक मेरा सामान मैं उतारूंगी नहीं ना, मैं रिक्शा में से नहीं उतरूंगी। तू तेरा देखना है, तू चल रिक्शा वाला आगे चल रहा, मेरा मीटर चालू है कि नहीं रिक्शा में, चल तू आगे चलने वाला नहीं आगे। आई हम दूसरी ऑटो कर लेंगे ना, आप क्यों इतना सोच रही? इतनी समझदार है, देख देख सीख, छोटे से कुछ सीख। मैं क्या सीखूं, मैं क्या नहीं सीखूं, ये तुझे सिखाने की जरूरत नहीं, तू अपना रास्ता ना समझी ना। चल उतर उतर। मैं नहीं उतरेगी रिक्शा में से, बोल क्या कर लेगी? क्या करेगी? नहीं उतरेगी मैं, मैं भी नहीं छोड़ेगी। आता पकड़ क्या करेगी? अरे मैं उतरेगी नहीं नीचे, आप उतरो यहाँ, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। आप भी खुश मत हो, आपको भी लेके नहीं जाने वाला। हेलो 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 हेलो, देखो कितना पैसा कितना हुआ तेरा? 115। 115 रुपए भी नहीं, दीवाला बच गया है बिचारी का। अभी चलते चलते उठा के जा, अभी तेरे को भी चल के जाना पड़ेगा। अरे रिक्शा वाले के बाप उधर खड़े हैं, मैं जाती हूँ ना। चल के जा, थोड़ी दुबली भी होगी, सब पे रोब जमाती है। एक कोई छे कहीं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हाय, देखो तुम आज मुझे नहीं कह सकती कि मैं लेट आया हूँ, मैं तुमसे पहले आ गया था। वो तो मैंने तुम्हारा ऑटो सिग्नल पे देखा तो सोचा तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम ले आता हूँ। थैंक्स। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? तुम्हें जबरदस्ती स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो। मैं अपसेट क्यों होने लगी? मैडम, मैं जानता हूँ कि कल रात तुम्हारे घर में क्या हुआ था। तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इतनी तो खबर रखता ही हूँ। तुम्हारे घर में कल किसी ने बॉम्ब प्लांट किया था ना? लोग कह रहे थे कि वो तुम्हारे भाई ने किया। सॉरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता था कि तुम्हारी टेंशन कम हो जाए। एक्चुअली मैं तुम्हें वहीं बुलाने वाला था जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे, सेम कॉफी शॉप, पर फिर मुझे लगा कि वो बहुत दूर है, तो मैंने सोचा तुम्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। नज़दीक भी है, इनकेस तुम्हें जल्दी घर जाना है तो तुम जा सकती हो। तुम्हें अभी घर जाना है? वैसे स्ट्रेंजर, तुम्हें सब पता रहता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है। इट्स सो स्ट्रेंज। मेरी आई और तुम्हारी आजी के झगड़े के बारे में तुम्हें कैसे पता कि मैं अगली लाइन यही बोलने वाली हूँ? यार अब इतना तो तुम्हें समझने लगा हूँ मैं। वैसे मुझे आजी ने बताया था, वो जो मार्केट में झगड़ा हुआ था ना वाटरमेलन को लेके। हाँ, माँ ने बताया। खैर, इन बड़े लोगों के झगड़े के बीच में हम क्यों पड़े? हाँ, हम कुछ अपने बारे में बात करते हैं। ओह नो, बाबा। ओह गॉड, बाबा यहाँ पे कहाँ से आ गए? ओह गॉड। ओह गॉड। हेलो अंकल। हाँ, ये लड़की। क्या कर रहे हो? वो मेरे बाबा हैं। एक मिनट। तेजू चुप, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तुम पागल हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं तेजू। ठीक करने के लिए मैं उसको लेके गई
शॉपिंग के लिए, लेकिन खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस से कुछ खरीदा नहीं। आई शॉपिंग से ज्यादा मुझे आपके साथ वक्त बिताना था। लेकिन तूने खरीदा क्यों नहीं? आजी तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं अभी आई को एक ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसे सुन के आई बहुत खुश हो जाएगी। आई आई मैं सोहम दादा से मिलने गई थी। क्या तू सोहम से मिलने गई थी? वो तुझसे मिला? हाँ आई। थैंक यू पापा, थैंक यू। सोहम कम से कम किसी से तो मिला। पूर्वी कैसा है वो? आजी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बता, तू वहां क्यों गई थी? वो आजी आई मैं उनसे बॉम्ब वाले सिलसिले में बात करने के लिए गई थी। और पता है आई, जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया ना, तो उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे ये साफ साफ पता चला कि उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। अब देखना, जल्द से जल्द पुलिस जब असली गुनेगार को ढूंढ लेगी ना, तो सबको पता चल जाएगा कि सोहम दादा ने कुछ नहीं किया। आई मैंने आपसे कहा था ना, हमारा सोहम ऐसा कभी नहीं कर सकता। देख अभी हमारे चाल वालों को पता चल जाएगा असली गुनेगार कौन है। अनाप शनाप बकते हैं, अभी जाके उनको बराबर लेसन सिखा दूंगी चाली वालों को। हाँ आई आई अब तो खुश है ना? ये हमको बिठा के कहाँ गए सब लोग? आज पूर्वी के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे यहाँ पे आज ही तू सचिना था, लेकिन पूर्वी ने तो मुझसे कहा था कि किसी से मत बताना मैंने तुझे यहाँ बुलाया। आपको कैसे पता? अरे उसने ही मुझे बताया। पता नहीं हमें यहाँ बैठा कर मैडम खुद कहाँ गए। आजी तेजू आप सब यहाँ? ये दोनों भी? रूबी तेजू अब हमें तो आजी ने बुलाया। देख मतलब ये आपकी और पूर्वी की कुछ मिली भगत है। अच्छा बताओ तो क्या बात है? बताती हूँ जरा, तो धीरज रखो। वैसे मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। बोल नहीं सकती क्या? बोलना पड़ेगा। आप अंदर जाइए और पूर्वी से कहना मीटिंग पूरी जमा हो गई है, जो राज खोलना है वो खोल दे आके। लो आ गई। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? क्या चल क्या है? क्यों बुलाया मैं? अच्छा तेजू तो झूठ मत बोला, मुझे पता है तू अभी अभी आई है। अच्छा चल ठीक है, बताना हमें यहाँ बुलाया क्यों है? आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन आने वाला है। अब पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता बात क्या है। किसी को कुछ भी याद नहीं है यहाँ पे। अरे आई बाबा की एनिवर्सरी आने वाली है। अरे हाँ हम सब तो भूल ही गए, हम कुछ बहुत बड़ा सा प्लान करेंगे। हाँ एक्चुअली मैंने भी कुछ सोचा है। मैं सोच रही थी कि हम लोग एक सरप्राइज पार्टी प्लान करें। ग्रेट आइडिया, हम सब पार्टी अरेंज करेंगे। एग्जैक्टली हाँ, मुझे लगता है कि हमें पार्टी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया, आई बाबा को कितनी टेंशन भी है सोहम दादा के केस को लेके। मेरे ख्याल से पार्टी वार्टी होगी ना तो थोड़ी टेंशन भी कम हो जाएगी। और मैं इस डे को ना बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ, बाबा के लिए नहीं आई के लिए भी। इतने साल हो गए मैंने उन्हें कभी एक साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते नहीं देखा ना, और इस बार दोनों एक साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। आज ही तुझे तो याद होगा बाबा आस्था के दिन हमेशा अकेले ही सेलिब्रेट करते आए। तो बोल बोल मुझे
तुझे क्या लेना है आज? बोल। हाँ मैडम, मैं आज कुछ लेने नहीं, देने आई हूँ। मतलब? अब वो क्या है ना कि मेरे घर में बहुत बड़ा पार्टी का ओकेजन है। हाँ। तो मैंने सोचा पर्सनली आ जाऊँ आप लोगों को ऑर्डर देने। और हाँ, मुझे इसकी डिलीवरी कल शाम को ही चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात बोली। बोल मुझे ओकेजन क्या है? इसके आई बॉबी की एनिवर्सरी है। तुझे कैसे मालूम? वो तेजू ने बताया ना, इसने कल बताया था, है ना? हाँ मैंने कल बताया था। एक्चुअली मैंने कल इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को तैयारी करने का टाइम मिल जाए। कितनी अच्छी लड़की है, सब सोचती है। ये बहुत अच्छी बात है। आ जाएंगे हम लोग सब पार्टी में आ जाएंगे। मैं, मेरी बहन, फैमिली पूरा पार्टी में आ जाएंगे। मजा आए ना हम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। चल अरे मम्मी, हम कैसे जा सकते? क्यों नहीं जा सकते, अभी फैमिली तो है सब एक है कि नहीं? साड़ी लेके आना मेरे लिए। तो भैया तुम लोग की ये पार्टी दोपहर को है क्या? शाम को? शाम को पार्टी है तो फिर डार्क कलर की साड़ी लेके आना, ब्लैक नहीं तो पर्पल है। बहुत मजा आएगा पार्टी में, डांडिया खेलेंगे सब मिलके। मम्मी मम्मी मम्मी, मैं आपको साड़ियों के ऐसे ऐसे नए ऑप्शन दिखाता हूँ जो आपने आज तक नहीं देखे। नीली, पीली, डार्क पर्पल। अच्छा, चलो ना, मेरे को साड़ी दिखा रहे हैं आपका। जब मैं बोलती थी चलता रहता था, अभी उसको दिखा रहा है मेरे को। मम्मी मजा आएगा पार्टी में डांडिया का। यहाँ तुम्हारी मम्मी डांडिया खेलने का प्लान कर रही है, वहाँ मेरी आजी मुझे डंडा मारेंगी तुम्हारी मम्मी अगर पार्टी में आ गई तो। मतलब दोनों आमने सामने, तुम सोच भी सकते हो क्या हो सकता है? वेट, मैं कुछ करता हूँ। अरे चूच है अब अधूरा। लेकिन क्या हुआ है? नहीं, 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 हरिवास साहब, तेजस्वनी ने आपको सामने से इनवाइट भी नहीं किया और अपने सामने से बोल दिया कि मैं मेरे पूरी परिवार को लेकर आऊंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैंने बोला मेरे को, मैं उसको परख रही थी, मैं देख रही थी वो क्या बोलती है जब मैं ऐसा बोलती हूँ। तुमने देखा नहीं कितना मस्त तरीके से हाँ 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 बोला, एकदम मिट्टी चपड़ी चे। और ऐसे कोई बिना इनविट किए मैं थोड़ी जाऊँ? नहीं नहीं, इनविट नहीं, इनविटेशन। वही वही इनविटेशन किए बने मैं थोड़ी पार्टी में चली जाऊंगी। मेरा भी खुद का आत्मसम्मान है, मींस के सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरे को ऑर्डर की तैयारी करनी है, चल चल। थैंक यू मोटा भाई, बचा लिया, वरना तेजू को फोन खुल जाती। नहीं नहीं सनी, एक बात बता, तू तेजू को लेकर सीरियस है? हाँ मसले के सीरियस हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो सीरियस वाला सीरियस या मजाक वाला सीरियस? मोटा भाई, मेरी तेजस्वी की फ्रेंडशिप सीरियस वाली, वो मेरी अच्छी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? दोस्त से कुछ ज्यादा। मतलब वो तुझे अच्छी लगती? हाँ मतलब जब मैं उससे मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से वो घर पे चली आती है अचानक से और बातें करनी शुरू कर देती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि अरे बस 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 बस, मैं समझ गया। बेसिक बात बताऊ, बहुत अच्छी लड़की है, मैं तुझे बहुत सूट भी करती है। रियली? थैंक यू भाई, बस 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 बताओ लोग, एक साथ इंसानी मत रिलैक्स से। सीरी के कवर पे लिखा होगा पुणे बिल्डर्स की डिटेल्स बी मेंशन। गई सर, सर यही है वो सीढ़ी। ग्रेट, कहाँ मिली तुम्हें ये? सर ये वहां रखी हुई थी। ओके बट आई थॉट ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स तो यहाँ पे। सॉरी सर। कुछ नहीं कुछ नहीं, लेट्स गो, सीढ़ी मिल गए। हाँ पूर्णिमा बोलो। ओवी तुम फ्री हो क्या? मुझे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ कर सकती हो, कुछ काम था तुम्हें? नहीं एक्चुअली मैंने किसी काम से फोन नहीं किया, मैंने किसी पर्सनल रीजन से फोन किया है। पर्सनल रीजन? अब पूर्णिमा ओवीट इंडस्ट्री में काम करके तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ ओवी, मुझे काम करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ और यही खुशी में मैं चाहती हूँ कि तुम भी शामिल हो। मेरे साथ शेयर करना चाहती हो? अब हाँ ओवी, अब मुझे जो जॉब मिली है वो तो तुम्हारी वजह से ही मिली है। And I'm really grateful to Arjun. वो मुझे अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए लेके गए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। That's great. हाँ, सिर्फ ग्रेट बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ट्रीट? और ओवी, मैं 5 स्टार तो अफोर्ड नहीं कर सकती, बट आई एम श्योर ये जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बस अब ना मत कहना एंड जल्दी से आ जाओ। ओके एक काम करो, तुम होटल का नाम और एड्रेस दोनों मैसेज कर दो। हाँ मैं अभी करती हूँ। I'm really happy.
मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारी शादी को एक महीने से ऊपर जो हो गया। हाँ, इतनी जल्दी इतना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। वैसे तुम दोनों काफी खुश हो ना? हाँ वो तो है। ओफी ये अर्जुन ने दिए। अब डायमंड है। अच्छी है ना? हाँ। वैसे ओफी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तुम और अर्जुन एक दूसरे को अच्छे से जान रहे होगे ना? मैं अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आयशा नहीं, मैं बस ऐसे ही जनरली पूछ रही थी। तुम खाओ ना। पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही थी? अब वो भी एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि इस सब के पीछे उसके इंटेंशंस क्या थे, लेकिन उस दिन तुम्हें याद है जब मैं और अर्जुन प्रेजेंटेशन के लिए गए थे, उस दिन पूर्वी अर्जुन को बार बार फोन कर रही थी, मैसेजेस भेज रही थी। मैंने एक बार उसे कहा भी कि अर्जुन मीटिंग में बिजी है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, वो फिर भी कॉल कर रही थी। पर अर्जुन ने तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, और वो बताएगा भी नहीं। आई मीन ओवी, लिसन, मैं नहीं चाहती कि तुम इनसिक्योर हो या डिमोरलाइज हो। यू नो अर्जुन तो तुम्हारा है ही, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि वो तुम्हारा बंद कर रहे। मतलब तुम उस पर नजर रखो ना, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो वो तो सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों से ही मिलता है। ठीक है, बट हाँ तुम इतना तो कर सकती हो ना, तुम कभी कभी उसका मोबाइल चेक कर लिया। मोबाइल? कम ऑन होगी, तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसका फोन चेक करो। अब देखो ये पूरी वाली बात उसने तुम्हें बताई? नहीं ना, वो तो मैं थी वहां, मैंने तुम्हें बताया। और अब हर बार मैं तो अवेलेबल नहीं होंगी। चचा, इसने गुनाह किया है और इसे सजा मिलनी चाहिए। हे अर्चना देशमुख, इस सब कुछ तोरी वजह से हुआ है। मेरी भाई को तोरी वजह से जेल हुई, छोड़ेगा नहीं तोरे को। देख, हमरी माई के बारे में एक फर शब्द और बोला, हमरी माई हमरे लिए बहुत कुछ की है, हम पर सिर्फ वो का हक है और जिंदगी भर सिर्फ वो का ही रहेगा। अर्चना, अर्चना, 12 बजे। हाँ बहुत देर हो गई है, मुझे पता। अर्चना 12 बज गए। हाँ तो शायद तुम भूल गई आज क्या है। तुम उदास क्यों? खुशी नहीं हुई तुम्हें? ऐसी बात नहीं मारा, मैं खुश हूं, लेकिन हमारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है तो। अर्चना, प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहे, तुम हमारी जिंदगी की पॉजिटिव साइड को देखो। 18 साल बाद हम एक हुए हैं, हम मिले हैं। पूर्वी, केक। अरे बेटे, ये केक, ये सब की क्या जरूरत है?
हम लोग पता है आप लोग ऑलरेडी केक काट चुके हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से है, हमें भी तो केक खाना है। चलो चलो केक काटते हैं। मूवी में जा रहा हूँ। और मैं घर से निकल रहा हूँ, यू गाइस बी ऑन योर वे, ओके? सर, लेकिन लेकिन क्या? सर, वो मीटिंग। हाँ? सर, वो कल रात मैंने आपको फोन किया था, तभी आपकी वाइफ ने कहा कि सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। व्हाट? जी सर। ओके, यू नो व्हाट, इट्स नॉट टू लेट, सारी की सारी मीटिंग्स रीशेड्यूल करो, मैं आ रहा हूँ। सर, रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक क्लाइंट्स को मीटिंग कैंसिलेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। फैबुलस, सुपर। तो जस्ट बी ऑन योर वे, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर, आई विल सी यू, ओके? डैड, इतनी सुबह सुबह, मॉर्निंग? मुझे लगा मेरा बेटा सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए जा रहा है, आई मस्ट विश हिम द बेस्ट एंड कीप हिम कंपनी। वो भी सो रही थी, सो आई थॉट मुझे यहाँ होना चाहिए। मिल्क? तुम्हारी माँ की कमी मुझे भी महसूस हो रही है, उनको ये करना चाहिए था, लेकिन अब जब वो यहाँ नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे यू नो व्हाट डैड, आई डोंट थिंक कि आपने अपने मॉम की कमी मुझे कभी महसूस होने दी। अगर मॉम यहाँ होती तो इसमें चॉकलेट जरूर डालती। तुम जानते हो तुम्हें मैं तुम्हारी माँ की याद क्यों दिलाते रहता हूँ? क्यों? क्योंकि ये सब बातें मैंने उनसे ही सीखी हैं। I had no clue परिवार में किस तरह से बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। लेफ्ट टू मी, मैं तो तुम्हें बेस्ट विशेस देने भी नहीं आता, बिकॉज आई नो तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो, जाहिर है अच्छा ही कुछ करके आओगे। नो नो नो, आई थिंक मुझे आपकी आपकी ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद की हर मीटिंग से पहले बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नीड इट राइट हियर। नॉटी बॉय, ऑल माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू डैड। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अभी तक इस स्टॉल में क्या कर रहे हो, अभी तक कोई बंगलो क्यों नहीं खरीदा? अरे भाई, इतना पैसे बचा कर क्या करोगे? सवाल पैसे बचाने का नहीं, सवाल है इस चौल से जुड़ी हमारी जिंदगी का, हमारी यादों का। मैं बचपन से इसी चौल में रहा हूं, और इसी चौल में रहकर मानव देशमुख से, जैसे आपने कहा कि बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे आ गए, तो मानव देशमुख बना। जहां से मैंने शुरुआत की मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, और जहां तक यहाँ इसी चौल में रहने का सवाल है, तो हमें आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। यहाँ के छोटे छोटे झगड़े, यहाँ के त्योहार और आप लोगों का प्यार, ये सब किसी बंगलों में कहाँ देखने को मिलेगा। और काकी, जहां तक मेरी बात है, मेरा इस चौल से बहुत पुराना रिश्ता है,
आप तो जानती हैं, शादी के बाद मैंने पहला कदम इस चौल में रखा था। तब से इस चौल से आप लोगों से बहुत अटूट नाता जुड़ गया। इस चौल में मैंने कई अच्छाई कई बुराइयां देखी, मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। मैं मानती हूँ काकी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इन पैसों से हम हमारी खुशियां नहीं खरीद सकते, और हमारी खुशी इसी चौल में रहने में। हम तभी खुश थे जब हम गरीब थे, और हम इसी खुशी के साथ अपनी सालगिरह मनाया करते थे, और आज भी हम वाकई में खुश हैं। और सच कहूं काकी, हमारा आप लोगों के बिना मन ही नहीं लगेगा, इसीलिए हम आप लोगों को छोड़ के ही नहीं जाना चाहते, है ना माना? जिंदगी कैसे जी जाती है ये तुम दोनों से सीखना चाहिए। भगवान तुम दोनों के रिश्ते को लंबी उम्र दे। ये तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तुमने इस फंक्शन के लिए प्रोफेशनल डेकोरेटर्स जो हायर किए हैं। लेकिन सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मतलब सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मतलब आई मीन अब मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, तो बदले में तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना होगा? ऐसा कुछ जो मुझे पसंद हो। तुम्हें क्या पसंद है? कॉफी। तुम्हें मुझे कॉफी पिलानी होगी। ओह, तुम कॉफी के बारे में बात कर रहे थे। इसी बहाने हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे, बातें करेंगे, और फिर एक मिनट। तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं कॉफी के बारे में बात कर रहा था? तुम्हें क्या लगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा। तेजू, डोंट लाया। तुम्हारे एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही बता रहे थे। व्हाट एक्सप्रेशंस? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। अच्छा, बताओ ना, प्लीज बताओ ना। मैं कुछ नहीं सोच रही थी। ठीक है, मत बताओ। झूठी नंबर वन। चलें, लेट्स गो नाउ। अच्छा, तो कहाँ जाने का प्लान बना है? कैसा प्लान आई? अरे, आज तुम दोनों की शादी की सालगिरह है, हाँ? कहीं बार बार नहीं जाओगे? कोई तो प्लान किया होगा ना, कुछ तो कोई अच्छा सा मूवी देखने का, शॉपिंग, या फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच डिनर, कोई तो प्लान बनाया होगा? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज हम अपना पूरा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहते, यही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा, है ना माना? और एक लंच की बात, तो आज के दिन हम घर का खाना खाना पसंद करेंगे, क्यों अर्चना? बिल्कुल माना। अरे, घर का खाना तो हम रोज खाते हैं ना, आज जरा बाहर जाके खाना खाओ। आई, आज के दिन बाहर के खाने से ज्यादा खास मेरे लिए तेरे हाथ की बनी पाव भाजी है। हाँ, एक काम करते, मैं आपकी मदद करती हूँ, चलिए। अरे मानो, तुम लोगों को और कहीं नहीं जाना है तो गणपति मंदिर होके आओ। हाँ। आज के दिन गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। हाँ बाबा, हम लोग यही सोच रहे थे, इसीलिए आपसे बात। नहीं 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 नहीं, सोच मत, उठो जल्दी से निकलो, बाप्पा के आशीर्वाद लेकर आओ। तो आइए, आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग भी चलिए, हम सब चलते हैं गणपति बप्पा के मंदिर। नहीं नहीं, मतलब नहीं, हम सब नहीं जा सकते हैं। आई, क्यों नहीं आ सकते? वो क्या है कि बाबा को आजी के हाथ की बनी हुई पाव भाजी खानी है ना, तो मैं और आजी तो पाव भाजी बनाएंगे, मैं मदद करूंगी। हाँ। हाथ बटाएगी मेरा। सचिन तू? और वो पाव भाजी बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए होगा ना? सामान। वो मैं मार्केट से लेके आता हूँ। तो बाबा आप चलिए। नहीं, मेरा पाव आज बहुत दर्द कर रहा है, मैं वो नहीं आ सकता वहां तक। हाँ, तुम दोनों क्या? ठीक है बाबा। आई, मैंने जो कपड़े पसंद किए ना तेरे लिए, वही कपड़े पहन के जाता। ठीक, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।